Hello everyone, welcome on my YouTube channel. So today we study about 10th chemistry. Today we start third chapter of 10th chemistry, metal and the non-metals. ठीक है? तो metals, non-metals क्या होते हैं? उसके बारे में study करेंगे हम आज. तो जो element होते हैं, क्या होते हैं? Elements. Element क्या होते हैं? Those substances which cannot divide into simple substances by chemical methods, वो पदार्थ या वो तत्व जिनको हम और छोटे भागों में या अणुओं में विभाजित नहीं कर सकते किसी भी रासायनिक तरीके से, वो क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं. क्या होते हैं वो? एलिमेंट. ठीक है, तो जो एलिमेंट को बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक तो होता है हमारा मेटल और सेकंड होता है मेटल्स, और सेकंड होगा नॉन मेटल्स. मेटल्स होते क्या है? तो दोज एलिमेंट विच हैव, दोज एलिमेंट विच हैव लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट सेल, इन देयर आउटरमोस्ट सेल एंड ऑलवेज इलेक्ट्रो पॉजिटिव, एंड ऑलवेज इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, एंड ऑलवेज इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर. ठीक है, तो मैंने ये बोला है वो एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर, आउटर मोस्ट सेल जो कक्ष होता है, ठीक है, एटम का, ये क्या होता है? न्यूक्लियस होता है. उसके बाद पहला सेल होता है KLN. ठीक है, ये मान लिया हमारा क्या है? आउटर मोस्ट है. ये सबसे फर्स्ट होता है KL और N. ठीक है, अगर हमने मान लिया किसी एटम में आउटर मोस्ट सेल है, ठीक है, अगर हमने एग्जांपल ले लिया, मान लिया सोडियम, आपके पास सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है. कितना होता है? 11. अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितने आएंगे? 1. आपको ये 9th क्लास में आपने सीखा होगा. ठीक है, तो फर्स्ट में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, सेकंड में भर दिए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और थर्ड में कितना बच गया? 1 2 8 10 और 1 11. टोटल कितना हो गया? 11 हो गए. तो मैंने ये बोला है, जो ये इसका क्या है, जो सोडियम का ये एम क्या है? आउटर मोस्ट सेल है. क्या है ये? आउटर मोस्ट सेल. अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में एक से ऑफरी चार से कम, चार भी होने चाहिए, चार हो तो वो नॉन मेटल में आउट होगा. मतलब एक हो, दो हो या तीन हो, अगर तीन तक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसको हम किसमें काउंट करते हैं? मेटल में काउंट करते हैं. तो दोज एलिमेंट्स आर मेटल्स इन नेचर. ठीक है, ये मान लिया आपके पास क्या है? एल्यूमिनियम. क्या है? एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम के पहले कॉस्ट में 2 आते हैं, सेकेंड में 8, थ्री में 3 आते हैं, तो इट इज ए मेटल. देखिए आटोमोस में कितने इलेक्ट्रॉन है? जस्ट 3. मेन इसे में कितने आएंगे? 2 आएंगे, 2 8 2. ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आना चाहिए, आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए अच्छी तरह से, और इसको एलिमेंट का जो सिंबल है ये भी आपके लिए क्या होता है? जरूरी है, क्योंकि इसी से आपकी क्या, जो फर्स्ट चैप्टर भी इसी से आएगा, थर्ड चैप्टर भी और फोर्थ चैप्टर भी. अगर आपको एलिमेंट्स के नाम ही नहीं पता है तो प्लीज आप याद कर लीजिए. ठीक है, कम से कम 30 तक तो जरूर याद करें, 10th तक के बच्चे जो होते हैं, 30 तक आप याद करो, आपका काम चल जाएगा. ठीक है, तो आउटर मोस्ट में क्या बोला मैंने? लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, और दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर. इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? कोई भी जो आर ऑल मेटल लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करके गेन पॉजिटिव चार्ज. अब आपके पास सोडियम था, सोडियम क्या करेगा? इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है. ये कितने इलेक्ट्रॉन को? 1 इलेक्ट्रॉन को. और सोडियम के ऊपर क्या आता है? 1 पॉजिटिव चार्ज आता है. क्या आता है? 1 पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, अब नॉन मेटल देखते हैं. वैसे अगर आपको ये डेफिनेशन हार्ड लगती हो तो आप ऐसे भी ले सकते हो, मेटल आर द दोज एलिमेंट, मेटल्स आर दोज एलिमेंट विच आर मेलेबल, डक्टाइल एंड कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. ठीक है, आप ये भी ले सकते हो, और दोज एलिमेंट
विच आर मैलेबल एंड डक्टाइल और कैन कंडक्ट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड एज ए मेटल, उनको हम क्या बोलेंगे, मेटल बोलेंगे, ठीक है। सेकेंड है नॉर्मल, दोज एलिमेंट विच हैव फोर और मोर देन फोर इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, इन देयर आउटर मोस्ट सेल, अगर उनके आउटर मोस्ट सेल में चार चार से अधिक इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम किसमें काउंट करते हैं, नॉन मेटल्स के अंदर, किसमें करेंगे, नॉन मेटल्स के अंदर। और ऐसे कुछ है, ऐसे भी एलिमेंट है जिनका आउटर मोस्ट सेल क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है, तो उनको हम काउंट करते हैं किसमें, नोबल गैसेस के अंदर, ठीक है। किसमें करते हैं, नोबल गैसेस, जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, उनका आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है, जो कंप्लीट होता है, उनका आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन से फिल होता है, तो वो दे कांट लूज इलेक्ट्रॉन्स और नॉट गेन, ठीक है। सो वी काउंट देम इन द नोबल गैसेस, तो दे आर उनको हम इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो दोज एलिमेंट विच हैव द फोर और मोर देन फोर इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, कैसे होते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर, कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द नेचर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये जो एलिमेंट्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। अब अगर हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का, ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखोगे, क्या लिखोगे, 287 होगा, कितना होगा, 287। अब फर्स्ट सेल ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आगे, दो आएंगे, मैं सिंपल लिख रहा हूं, सेकंड में 8 आ जाएंगे, और थर्ड में कितना आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। आपके पास एक कैथोडियम था ना, कितना था, एटॉमिक नंबर 11 था, 281, क्या कॉन्फिगरेशन हो गया इसका, ये न्यूक्लियस है हमारा, फर्स्ट सेल में कितने, 2, सेकंड में कितने, 8, और थर्ड में कितना था, 1 था। मैंने ये बोला था ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गेन करेंगे। देखो सोडियम के पास का एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन देना क्या होता है, आसान होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन को लूज क्यों नहीं करते, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट सेल में क्या होते हैं, मोर देन जो हाफ होता है उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके कारण ये इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज करना क्या होता है, मुश्किल होता है, इसलिए ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। अब सीएल क्या करेगा, सीएल क्या करेगा, गेन वन इलेक्ट्रॉन एंड कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट सेल, मतलब अपना जो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा, कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, क्या बोलते हैं, ऑक्टेट, एंड गेन द वन नेगेटिव चार्ज, क्या नेगेटिव चार्ज, कौन सा चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। और सोडियम क्या करेगा, लूज वन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा यहां से, ठीक है, तो फिनिश हो जाता है, अब क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव, मतलब इसने नेगेटिव चार्ज को छोड़ दिया, पॉजिटिव को धारण कर लिया, गेन कर लिया, पॉजिटिव को लेने को बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, एंड दैट टेक द नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन को लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा आप इसके ऐसे लिख सकते हो, डेफिनेशन ये होगी इसकी, देखो बेटा मुझे तो अच्छी डेफिनेशन यही लगती है, ठीक है, बाकी आपको अगर ये हार्ड लगते हो तो सिंपल ये करते हो। तो दोज एलिमेंट विच आर नॉट, नोट ले देना, नॉट मैलेबल, डक्टाइल एंड डज नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और आर कॉल्ड एज ए नॉन मेटल्स, क्या बोलते हैं हम, नॉन मेटल्स बोलते हैं। नाउ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी,
ठीक है। तो आपने अभी पढ़ा कि जो मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, और जो मेटल है सबसे मतलब अर्थकर्ष में सबसे ज्यादा मेटल कौन सी पाई जाती है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या होती है, जो अर्थकर्ष है उसमें मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सी है, हमारी एल्यूमिनियम है। उसके बाद आता है आयरन, क्या आता है आयरन। और नॉन मेटल में क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल इन द अर्थकर्ष आर ऑक्सीजन। नेक्स्ट आता है सिलिकॉन, सबसे ज्यादा क्या है ऑक्सीजन प्रेजेंट है नॉन मेटल और अर्थकर्ष के अंदर, और देन द सिलिकॉन, देन क्या है सिलिकॉन है। अब नाउ डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड द नॉन मेटल। यहां पे हम मेटल्स लिख देते हैं और यहां पे हम नॉन मेटल्स। तो फर्स्ट हम देखते हैं मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी होता क्या है, ठीक है। एक पॉइंट तो आपने फर्स्ट देख लिया, या आप उसको सेकंड मान लो एक तरह से, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट आप उसको जो आप मैंने डिफाइन किया था मेटल और मेटल को, आप उसको यहां पे भी ले सकते हो, ठीक है, सेम एज इट इज। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी होता है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाई विच दे हैमर इन टू द थिन शीट। क्या होता है, हैमर्स इन टू थिन शीट, जिनके कारण हम उनको पतली पतली चादरों में छेद के मतलब उसकी पूंगी चादरें बना सकते हैं। तो वो क्या होते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है उसकी, मेलेबिलिटी होती है, ठीक है। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाई विच दे हैमर्स इन टू द थिन शीट, जिनको हम थोड़े से पिटके उनकी चादरें बना सकते हैं, तो वो होती है हमारी मेलेबिलिटी होती है। तो मोस्ट मेलेबल मेटल कौन सी है, मोस्ट मेलेबल मेटल वो होती है हमारी सिल्वर। फॉर्मूला होता है Au, क्या होता है Au, और उसके बाद आता है गोल्ड, क्या आता है गोल्ड। फॉर्मूला होता है Ag, क्या होता है Ag, Au और Ag। तो दीज मेटल, जो सिल्वर मेटल है, दीज आर यूज्ड ऑन द स्वीट्स, जो हमारे मिठाइयां होती है उसके ऊपर आपको एक वर्क दिखता है फैला हुआ, तो वो किसका बना होता है, सिल्वर का बना होता है। किसे बना होता है, वो सिल्वर मेटल का, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारी गोल्ड, ये भी क्या है मेलेबल है, क्या ये भी मेलेबल मेटल है। तो जो नॉन मेटल्स होती है, दीज आर नॉन मेलेबल, दीज आर नॉन मेलेबल। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है इनकी डक्टिलिटी। क्या होती है डक्टिलिटी, तो डक्टिलिटी में आता है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाय विच दे ड्रा इनटू द या स्ट्रेच इनटू द थिन वायर, जिनके कारण हम उनको उनकी खींच खींच के या स्ट्रेच इनटू द इंटू थिन वायर, जिनकी हमें खींच से क्या करते हैं लंबी लंबी तारे बना सकते हैं, तो वो प्रॉपर्टी होती है मेटल की डक्टिलिटी, ठीक है। धातुओं का वह गुण जिनकी खींच खींच के हम तारे बना सकते हैं उसको बोलते हैं डक्टिलिटी या तन्यशीलता, इसको बोलते हैं अज्ञातवद्धता, ठीक है। ये होती है तन्यशीलता। तो डक्टिलिटी सबसे मोस्ट जो डक्टाइल मेटल होती है हमारी वो कौन सी है, गोल्ड। मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सी हमारी, गोल्ड, ठीक है। देन आती है सिल्वर, ठीक है। तो जो गोल्ड होता है, एक ग्राम जो गोल्ड होगा क्या होगा, एक ग्राम गोल्ड, एक ग्राम गोल्ड से हम लगभग 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। कितनी, एक ग्राम गोल्ड से कितनी बनाएंगे, 2 किलोमीटर लंबी तार को हम, एक ग्राम गोल्ड को 2 किलोमीटर लंबी तार में खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये इतनी क्या होती है, डक्टाइल होती है, कौन हमारी गोल्ड, ठीक है। दूसरी वैसे डक्टाइल और भी होती हैं, जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है जिनकी हमारी वायर बनती है, गोल्ड भी, सो गोल्ड तो सॉरी है ही, सिल्वर हो गया, ठीक है। लेकिन बेटा सिल्वर के तारे हम नहीं बना सकते, क्योंकि सिल्वर इज ए कॉस्टली मेटल, तो इसलिए हमें कॉपर का और एल्यूमिनियम का यूज करना पड़ता है टू मेक द वायर, ठीक है। तो अब आते हैं नॉन मेटल के ऊपर, तो नॉन डक्टाइल,
तो दे हैव नॉन डक्टाइल इनको हम इनसे हमें दे मेटल मेटल आर नॉन डक्टाइल बिकॉज दे कैन नॉट ड्राउन या स्ट्रेच इनटू द थिन वायर। ठीक है, थर्ड होता है कंडक्शन, लिखो यहां पे कंडक्शन का लिख बना हुआ पॉइंट या कंडक्टर्स। तो जो मेटल्स होती हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक मेटल में से हीट भी और एंड इलेक्ट्रिसिटी, कैन पास इजीली। इनमें से क्या होते हैं हीट भी और इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, मतलब पास होती है, दे आर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसकी क्या होते हैं सुचालक होते हैं, जो अच्छे चालक में से पास हो सकते हैं। आप क्या करो बेटा, कोई भी एक मेटल ले लो, मेटल का आप क्या करोगे, एक सिरे को आप गर्म करोगे ना तो वो आराम आराम से क्या होती है पूरी गर्म हो जाएगी, क्योंकि जो मेटल्स के अंदर क्या होता है हीट के, जो मेटल क्या होती है हीट को कंडक्ट कर सकती है, मतलब हीट क्या होगी ट्रांसफर हो सकती है मेटल के अंदर। ठीक है, तो मोस्ट जो हीट के अंदर जो सबसे मोस्ट जो कंडक्टर है हीट की वो कौन सी है, सिल्वर होती है। क्या होती है सिल्वर इज द मोस्ट हीट कंडक्टर, और इलेक्ट्रिसिटी की भी यही होती है, इलेक्ट्रिसिटी की भी यही होती है। ठीक है, वैसे तो मतलब कंडक्टर तो और भी होती हैं, सारे मेटल होंगी वैसे तो, लेकिन सबसे मैंने मोस्ट बताया है। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी में अपना कॉपर है, एल्यूमिनियम है, दे आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए हम उनकी तारे बनाते हैं। उनकी तारे गोल्ड के, सॉरी कॉपर के, एल्यूमिनियम की तारे क्यों बनाते हैं, बिकॉज दे डू नॉट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो का विरोध नहीं करती, रेजिस्ट नहीं करती, सो दे आर यूज्ड टू फॉर्म द वायर। ठीक है, और इनमें से क्या होगी पास हो सकती है, बट नॉन मेटल आर नॉन कंडक्टर ऑफ या बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड बोलते हैं डू नॉट कंडक्ट, या इनको बोलते हैं दीज आर इंसुलेटर, दीज आर इंसुलेटर, क्या होती है कुचालक होती है, इंसुलेटर होती है, या बैड कंडक्टर आप बोल सकते हो। एक मेटल है वो भी क्या है बैड कंडक्टर होती है हीट की। ठीक है, जिसका नाम क्या है पीबी बोलते हैं, लेड, क्या बोलते हैं लेड। तो लेड जो लेड के अंदर से हीट और जो इलेक्ट्रिसिटी है कैन नॉट पास, लेड का मतलब होता है शीशा, क्या होता है शीशा, जो शीशा क्या एक मेटल है, एक ऐसी मेटल है जिसके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। ठीक है, ये इसका असेसमेंट है। तो ऑल मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, कैसी होती हैं सॉलिड होती हैं, एक्सेप्ट वन, क्या होती है एक्सेप्ट एक मेटल ऐसे इसको हम बोलते हैं एक्सजी या मरकरी या पारा, मरकरी या देसी भाषा उसको हम पारा बोलते हैं, क्या बोलते हैं पारा। तो ये ऐसी धातु है जो क्या होती है लिक्विड स्टेट के अंदर मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है लिक्विड स्टेट के अंदर आपको मिलेगी, मतलब बाकी सभी मेटल क्या होती है हमारी सॉलिड होती है, किस नेचर में होती है वो सॉलिड के अंदर। ठीक है, तो जो नॉन मेटल्स है दे कैन फाउंड इन द सॉलिड लिक्विड और गैस। ठीक है, ये दे कैन फाउंड इन द सॉलिड के अंदर मिल सकती है आपको, ये लिक्विड स्टेट के अंदर भी और गैस की स्टेट, तीनों स्टेटों में आपको ये मिल सकती है नॉन मेटल। ठीक है, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, क्या होती है मेटल्स मजबूत होती है, सो दे आर यूज डिफरेंट थिंग्स, अटेंशियल्स है, कोई कार है, ट्राला है, बसेस है, एयरप्लेन है, दे आर यूज्ड। ठीक है, इन एवरी वेयर या डेली लाइफ यूज की जो काफी सारी चीज होती है हम इनको यूज करते हैं, बाल्टी है, बकेट है, तसला होता है, ठीक है, सब में बॉल है। तो मेटल्स आर द स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट, सभी मेटल क्या होती है मजबूत होती है किसके अलावा, एक्सेप्ट लिथियम एलाई मैग्नीशियम एमआई एंड सोडियम एनए।
लिथियम सोडियम और मैग्नीशियम, ये तीन धातु ऐसे होते हैं दे कैन कट विद द नाइफ, जिनका हम चाकू से काट सकते हैं। तो दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, हम इनको मजबूत नहीं बोल सकते, बिकॉज दे आर सॉफ्ट मेटल्स, दे कैन बी कट इजिली विद हेल्प ऑफ नाइफ। इसमें क्या है, लिथियम है, सोडियम है और अपना मैग्नीशियम है, ठीक है। तो इन मेटल को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, ठीक है। तो जो हाइमोनो मेटल होती है दे आर ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब होता है अक्षर भंगुर, थोड़ा सा जोर देने तभी क्या होता है, इनोनो मेटल तभी टूट सकती है, मतलब नॉट स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग है तो दीज हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होता है पिघलना और बॉइलिंग होता है उबलना। मेल्टिंग क्या होता है, पिघलना मेल्ट होना, और बॉइल क्या होता है किसी चीज का बॉइल होना उबलना, ठीक है। तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हार्ड होता है, क्योंकि ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग मेटल, स्ट्रॉन्ग चीज है, जितनी जो चीज जितनी स्ट्रॉन्ग होगी जितनी हार्ड होगी उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस गेट मेल्ट एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर, एक एटमोस्फेरिक प्रेशर के ऊपर वो तापमान जिस पे कोई चीज पिघलना शुरू कर दे। उसी तरह से क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है, द टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस या ए लिक्विड या कोई भी चीज है स्टार्ट बॉइल अंडर द वन एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। इसमें कोई चीज उबलना शुरू कर रही है वो तापमान होता है, और इसमें कोई चीज क्या करती है पिघलना शुरू करती है, ठीक है। जिनका मेल्ट मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, और ये क्या होता है दे हैव लो मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इनका, दोनों क्या होते हैं लो होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है मेटल्स हैव लस्टर्स, दे हैव लस्टर्स, मतलब शाइनिंग, दे हैव शाइनी सर्फेस, मतलब ये क्या होती है नेचर में चमकीली होती है। ऑल मेटल्स आर शाइनी इन द नेचर, कलर्स हैव देयर ऑन लस्टर्स, दे कैन बी पॉलिश इजिली, इसको हम इजिली से पॉलिश कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी जो मेटल्स होती हैं उनका सरफेस क्या होता है शाइनी होता है, उनकी अपनी क्या होती है चमक होती है, ठीक है। बट दे आर नॉट लस्टर्स, इनकी अपनी कोई भी लस्टर या कोई भी शाइनिंग नहीं होती। सिर्फ एक नॉन मेटल ऐसी है आयोडीन, कौन सी है आयोडीन, विच हैव इट्स ऑन लस्टर्स, एक ही मतलब एक ऐसी धातु है जिसकी अपनी क्या होती है मतलब चमक होती है, ठीक है। तो मैं आपको बता एक पॉइंट में जब इसके यहां से ध्यान आया, मैंने आपको बोला था कि जो नॉन मेटल है दे आर इंसुलेटर, सिर्फ एक उसमें एक्सेप्शन है मैं आपको बताना भूल गया। तो जो नॉन मेटल में क्या है, जो अपना क्या है ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट ये क्या है कार्बन का एक अपरूप होता है, किसका अपरूप होता है कार्बन का, ठीक है। तो ये जो एक ही मतलब ऐसी नॉन मेटल है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं, इसको हम यूज करते हैं मोटर्स वगैरह के अंदर, ठीक है। कौन सी है वो ग्रेफाइट है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। मेरे भी माइंड से स्लिप हो गई थी। तो जो मैंने ये बता रहा हूँ कि जो सभी मेटल है अपनी उनकी अपनी क्या होती है शाइनिंग होती है, नॉन मेटल की शाइनिंग नहीं होती, किसको छोड़ के सिर्फ आयोडीन को छोड़ के, किसको छोड़ के आयोडीन को, मतलब दे आर सोनोरस, क्या होती है सोनोरस, सोनोरस होती है, क्या होते हैं सोनोरस,
but they can produce sound on striking with a hard surface, but they are non-sonorous. Look, they don't produce sound. They don't produce sound. जो नॉनमेटल होती हैं वो साउंड को प्रोड्यूस नहीं करती. दे डू नॉट प्रोड्यूस ए साउंड. ठीक है, नेक्स्ट है. तो जो मेटल होती है दे हैव हाई डेंसिटी. दे हैव हाई डेंसिटी. उनकी डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है. और दे हैव लो डेंसिटी. उनकी डेंसिटी क्या होती है? लो डेंसिटी. डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास पर यूनिट वॉल्यूम, कितने आयतन में कितना भार किसी चीज का, उसकी क्या होती है? डेंसिटी होती है. क्या होती है उसकी? वो डेंसिटी. ठीक है, तो जो मेटल होती है वो जनरली क्या होती है? आर मोर डेंसर देन द नॉन मेटल्स, बट देर आर सम मेटल्स विच हैव लेस या लो डेंसिटी. जैसे हमारे क्या है? मैग्नीशियम सोडियम. मैग्नीशियम और सोडियम दे हैव द लो डेंसिटी. इनकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है, क्योंकि इनको हमसे सॉफ्ट भी होती है, तो इनकी डेंसिटी आती है कम चली जाती है. क्या चली जाती है? कम. ठीक है, दे हैव लो डेंसिटी. तो जो सभी मेटल्स होती हैं, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी. इसके अलावा मरकरी के अलावा, ठीक है, शायद मैंने एक पॉइंट सेट करवा भी दिया, मुझे ध्यान नहीं है, अब मरकरी से ध्यान आया है. और ये क्या होती है? तीनों स्टेट मिलकर सॉलिड में भी लिक्विड में भी और गैस के प्रसार, मैंने करवा लिया, सॉरी. ठीक है, और क्या बचता है मेटल्स नॉन मेटल्स में? फिजिकल प्रॉपर्टी. मैलेबिलिटी हो गया, डक्टिलिटी हो गया, कंडक्शन कंडक्शन हो गया, इनका डेंसिटी हो गया, स्लोस हो गया. अच्छा, और मेटल सस्कूल जाएगा रूम टेम्परेचर. ठीक है, आई थिंक जो ऑल फिजिकल कैरेक्टर्स है हमने स्टडी कर लिए हैं, इससे अलावा कुछ नहीं बचता है. ठीक है, तो टुडे वी डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड व्हाट आर द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होती हैं. ठीक है, तो सम एग्जांपल देख लेते हैं मेटल्स के, नॉन मेटल्स के. मेटल्स, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, मर्करी, ठीक है, एल्यूमिनियम, कॉपर. तो दीज ऑल एग्जाम्पल ऑफ सम मेटल्स. ठीक है, नॉन मेटल्स देख लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स. नाइट्रोजन गैस होगी हमारी, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, कार्बन, फ्लोरीन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द नॉन मेटल. किसकी एग्जाम्पल है? ये नॉन मेटल्स की. ठीक है, तो इन द नेक्स्ट क्लासेस वी स्टडी अबाउट द केमिकल एंड फिजिकल ओनली केमिकल प्रॉपर्टी. टुडे वी स्टडी अबाउट द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स. ठीक है, ओके, मेरा लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब. थैंक यू.